आपको बता दें कि आज SRS आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण हुआ है। इसमें विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक मार्गदर्शक दिनेश जी आज आगरा आए हुए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आयुर्वेद पद्धति बहुत ही पुरानी पद्धति इसको माना गया है। भाव जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पद्धति के बारे में और इस भदौरिया परिवार के बारे में जो इस संस्थान को स्थापित किया है? आयुर्वेद और वेद से जुड़ी हुई पद्धति है। विस्तार से काफ़ी कुछ उल्लेख है और ये ऐसी पद्धति है जिसमें जितने भी प्रकार के रोग हो सकते हैं, कष्ट हो सकते हैं, उन सब का निवारण करने की क्षमता इसमें है। आवश्यकता है सही जड़ बूटियों के द्वारा बनी हुई औषधि उपलब्ध हो जाए, तो उस नाते से पूर्व में जो वैद्यराज होते थे वो अपने ही यहाँ अपने ही हाथों से अपने ही मार्गदर्शन में औषधियाँ भी निर्माण कराते थे और उसके कारण से वो कारगर होती थी, निश्चित रूप से स्वस्थ करती थी, कोई भी कष्ट कैसा भी हो तो भी। इसलिए आयुर्वेद अपने आप में पूर्ण है, आदि है, वर्तमान है और भविष्य भी है। आयुर्वेद के दृष्टि से पूरे विश्व में उज्ज्वल भविष्य है। भारत में आयुर्वेद को बढ़ावा मिले, सही ढंग से शोध हो सके, विश्व पटल के स्तर पर शोध करके प्रामाणिकता के साथ सब औषधि वगैरह के दृष्टि से उन सबको वो विश्व में पहुंचा सके, इसके लिए भारत सरकार ने भी आयुष विभाग खोला है। और इसलिए उस आयुष विभाग के खुलने के कारण से बहुत सारी व्यवस्थाएं, सुविधाएं, रिसर्च करने वाले शोधकर्ताओं के लिए मौका मिल रहा है। भले ही वो डॉक्टरी की डिग्री नहीं ली होगी, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे वैद्यराज आज भी उपलब्ध हैं जहां उनको भी बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। निश्चित रूप से उज्ज्वल भविष्य है और उसी आयुर्वेद पद्धति को लेकर डॉक्टर हरि भदौरिया जी के द्वारा मेरे से तो गत 10 वर्ष पहले से ही ये विषय निकाला था भविष्य के दृष्टि को ध्यान में रखकर, और उसको उन्होंने अपने संकल्प के बल पर पूरा किया है। विद्यालय तो 1 साल पहले से शुरू हो गया, परंतु उनकी जिद थी कि नहीं, मुझे आपके हाथों से ही इसका लोकार्पण कराना है, इसलिए फिर आज मुझे आना पड़ा। लगभग 3 साल बाद, 4 साल बाद, तो मेरा उस परिवार के लिए भी जो कुछ मैंने मन से बोला उनके लिए भी उसमें करने के लिए था कि वो इसको मॉडल के रूप में खड़ा करें, भारत का ही नहीं विश्व स्तर का बनाएं, ऐसी अपेक्षा मैंने उनसे की है। एक सवाल ये भी है कि ये पद्धति परोपकारी कहीं ना कहीं हितकारी मानी गई है, लेकिन समय के साथ ये पद्धति विलुप्त होती गई, क्या कारण मानते हैं? गोरों ने इस देश पर राज किया, उनके माध्यम से एलोपैथ को बढ़ावा मिला, पद्धति आयुर्वेद जो है विलुप्त हो गई, और क्या कुछ कारण मानते हैं इस पद्धति के विलुप्ति का? सृष्टि का एक चक्र चलता है, उस चक्र पर ये सब प्रक्रियाएं हैं, आती हैं, जाती हैं, चीज़ें उभरती हैं, विश्व पटल पर आती हैं, फिर कहीं ना कहीं वो विलुप्त हो जाती हैं, फिर उभर के आती हैं। और शायद इसी क्रम को ध्यान में रख कर के श्री कृष्ण जी ने गीता में 4वें अध्याय में अर्जुन को ये कहा है कि मैं जो तुझको योग माया सिखा रहा हूँ, ये कभी लुप्त हो गई थी और आज मैं आपको बता रहा हूँ। उससे पहले जब पूछा कि भाई उससे पहले आपने किसी को बताया, तो बताया सब मनु से लेकर के और तमाम, तो अर्जुन ने कह दिया कि भाई उस समय आप कैसे होंगे, आप तो मेरे साथ सामने खड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि तुझे नहीं मालूम मैं हर युग में किस तरह से क्या क्या, तो वो जो विलुप्त हुआ योग है वो तुझे बता रहा हूँ।
तो ऐसे ही ये चीज़ें प्रकृति के उस बंधन में बंधी हुई, लुप्त होना फिर से उसको भरना, ये मैं इसको सृष्टि का चक्र मान करके मानता हूँ, किसी पे दोष नहीं देता। परम हर्ष का विषय ये है कि अब भारत में आयुर्वेद और उससे जुड़े हुए बहुत सारे पैथी हैं, उन सब पर बहुत अच्छा तेज़ी से प्रयास हो रहा है। समाज के लोग भी जागरूक हुए हैं, दुनिया ने भी ये समझ लिया है कि भाई एलोपैथी जहाँ समाप्त हो गई, कोई भी परिणाम नहीं दे पाई सुपरिणाम, आयुर्वेद उसको सुपरिणाम दे रहा है। होम्योपैथी का भी आधार आयुर्वेद है। एक सवाल ये उठता है कि आपने मंच से कहा, मैंने सुना कि 35% अमेरिका के लोग हिंदुस्तानी हो गए, क्या कुछ सोच के इस बात को आपने, किस तरह का संस्कृति जी रहे हैं? मैंने आपको स्पष्ट कहा कि भाई उनका नाम वही है, देश भी वही है, इतना ही अंतर है कि जो भारतीय दिनचर्या और जीवनचर्या है उन्होंने उसको अनुभव किया कि इसमें ज़्यादा सुख शांति है, उसका उन्होंने जीवन में उतारना शुरू किया। उस आधार पर वहाँ के लोगों ने उनको कहना शुरू कर दिया कि ये हिंदू हो गए, जबकि हिंदू नहीं हुए, वो सही मायने में अपने कल्चर अपना रहे, वो इस तरह की ज़रूरत है। और भारतीय संस्कृति तो विश्व के लिए है, मानव कल्याण के लिए है, प्राणी कल्याण के लिए। मरीज और चिकित्सक का व्यवहार मरीज के प्रति किस तरह का रहना चाहिए, क्या कुछ होता है? भैया बड़ा सीधा सीधा है, डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, भाई माना, छोटा भाई माना जाता है, इसलिए आत्मीयता पूर्ण धैर्यता के साथ और अपने मरीज के रोग का निदान निकाल कर चिकित्सा करके उसको स्वस्थ बनाना, चाहे वो अमीर है गरीब है कोई भी है, अनपढ़ है पढ़ा लिखा है, और यहाँ तक मैं कह सकता हूँ कितना धैर्य रखना पड़ता है डॉक्टर को। इसी आगरा में मानसिक चिकित्सा है, चिकित्सालय है, मैं जब यहाँ पर 1982-83 की बात है, ये डॉक्टर रमेश यादव वहाँ पर चिकित्सक थे, मनोरोग के विशेषज्ञ थे, और उस समय और अपने संपर्क में रहते थे, मिलते थे। एक दिन उन्होंने आग्रह कर दिया कि भाई साहब कभी आओ हॉस्पिटल आओ, तो मैंने देखा वहाँ, तो मेरे को तो मुश्किल पड़ गया, उन्होंने सब घूम घूम के दिखाया तो सब, तो मैंने वो अपनी आँखों से दृश्य देखा है कि डॉक्टर मरीज से पूछ रहा है, माने जो मानसिक विक्षिप्त है उससे बातचीत कर रहा है, उसके हाथ ही काट लिया, डॉक्टर को थप्पड़ी मार दिया, फिर भी वो मुस्करा रहा है डॉक्टर, और उसके भले के लिए ही सोच रहा है, ये है भारतीय दर्शन। नमस्ते, धन्यवाद। आपको बता दें कि मेरे साथ में विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक मार्गदर्शक दिनेश जी थे, और आप इस समय SRS आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण हुआ है, उस लोकार्पण कार्यक्रम में आप मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ मौजूद रहे। उम्मीद यही करते हैं कि जिस उद्देश्य और जिस संकल्प के साथ SRS आयुर्वेद परिवार ने, भदौरिया परिवार ने इस संस्थान की शुरुआत की है, उस उद्देश्य को निरंतर सकारात्मक रूप से चलाता रहेगा, ईमानदार रूप से आगे बढ़ता रहेगा। कैमरे के पीछे योगेश बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज़।